नमस्कार मित्रों, आज 4 दिसंबर 2018 की सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं ISPCS SSC क्लासेस। नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय सिंह, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ISPCS SSC क्लासेस। मोस्ट वेलकम। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अश्वघोष का नाम आपने सुना होगा। ये कनिष्क के दरबार में संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अश्वघोष की रचनाएं कौन कौन सी हैं? बुद्धचरितम और सौंदरानंद। अश्वघोष की रचनाएं बुद्धचरितम और सौंदरानंद वेरी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। अबुल फजल, जो कि अकबर के दरबार में थे, अबुल फजल की रचनाएं हैं आईने अकबरी और अकबरनामा। इसके बाद प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। इन तीनों दार्शनिकों का हम क्रम जान लेते हैं कि कौन किसके गुरु थे, कौन किसके शिष्य थे। तो प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, यानी PAS मीन्स पास। अब देखते हैं कि प्लेटो के जो शिष्य था वो था अरस्तु, अरस्तु का शिष्य था सिकंदर, यानी सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कोयला के आप जानते हैं कि कोयला की मात्रा के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। कोयला 3 प्रकार का है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। लिग्नाइट सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है, ठीक है। और एक और होता है पीट कोयला, वो है सबसे निम्न क्वालिटी का। आइए अब देखते हैं कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है। तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों का मुख्यालय है कलकत्ता। भारतीय वन सर्वेक्षण, इसका मुख्यालय है देहरादून। इसके बाद वन्य जीव सुरक्षा एक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1972 में ये अधिनियम बना। वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। इसके बाद हर मटन इसी को कहते हैं गिनी डॉक्टर, यानी ये गर्म हवा है जो पश्चिमी अफ्रीका में बहती है, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी अफ्रीका में शीत लहर के प्रकोप से बचाती है ये गर्म हवा, इसीलिए इसको डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं, हर मटन। नॉर्वेस्टर, ये गर्म हवा है, ये न्यूजीलैंड में है, जैसे कि ना से नॉर्वेस्टर और ना से न्यूजीलैंड। अब गर्म कैसे होगी, इसके ऊपर रा लगा हुआ है, देख रहे हैं नॉर्वे, तो उसी तरह गर्म में भी ऊपर रा लगा हुआ है। इसी तरह हर मटन, तो हा के बाद रा लगा हुआ है, इसी तरह गर्म में भी रा लगा हुआ है। इस तरह से आप कोड बना के याद कर सकते हैं, हर मटन गरम, नॉर्वेस्टर भी गरम, ठीक है। बिलीजार्ड कैसी है, ठंडी, और ये टुंड्रा प्रदेश वहाँ पर बहती है, उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव यानी टुंड्रा प्रदेश। सिराको, ठीक है, सिराको ये है सहारा मरुस्थल, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, वहाँ बहती है ये गर्म हवा है। सहारा मरुस्थल आप जानते ही हैं कि सहारा मरुस्थल और मरुस्थल में यानी गर्म हवा। इसके बाद चक्रवात किसे कहते हैं, जब केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर की ओर उच्च वायुदाब बन जाता है, तो हमेशा जो हवाएं बहती हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं, बाहर से केंद्र की तरफ जब हवाएं बहने लगती हैं, ठीक है, बाहर से केंद्र की तरफ, तो ये चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है।
इसको कहा जाता है चक्रवात। केंद्र में हमेशा निम्न वायुदाब बनेगा और बाहर की ओर उच्च वायुदाब, फिर उच्च वायुदाब से केंद्र की तरफ यानी निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं बहने लगती हैं। इसके बाद देखिए भूमध्य रेखीय जलवायु। भूमध्य रेखीय जलवायु जो होती है, विषुवत रेखीय जलवायु जिसको कहते हैं, इसको सेलवास के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सेलवास। और ये विषुवत रेखा के 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी। जैसे मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री है, इधर से 10 डिग्री ऊपर ले लीजिए और 10 डिग्री नीचे, ठीक 10 डिग्री नीचे, तो यहाँ पर जो ये जलवायु पाई जाएगी वो भूमध्य रेखीय जलवायु है, ठीक है। और भूमध्य रेखा के आसपास वार्षिक वर्षा जो होती है 250 सेंटीमीटर होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है विषुवत रेखा के आसपास। इसलिए विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर जैव विविधता बहुत पाई जाती है। जो भी देश यहाँ पर हैं विषुवत रेखा पर, वहाँ पर जैव विविधता बहुत होती है, क्योंकि यहाँ 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है और संवहनीय वर्षा होती है, सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। इसीलिए जब पूरे वर्ष भर बारिश होनी है तो सदाबहार वन तो होंगे ही। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और इंडोनेशिया, जहाँ पर अमेजन नदी बहती है दक्षिण अमेरिका में, ये भी भूमध्य रेखा को टच करता है। कांगो बेसिन जो अफ्रीका में है, इसको भी विषुवत रेखा टच करती है। इंडोनेशिया, यहाँ से भी विषुवत रेखा बह जाती है। तो यहाँ पर ये इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक। इसके बाद मैक्सिमम लवणता, सबसे अधिक लवणता किस झील की है? लेक वान झील की, लेक वान झील यानी, और ये है तुर्की में, यूरोप में। मृत सागर झील का दूसरे नंबर पर स्थान है, ये इजराइल में है, जॉर्डन नदी के पास, इजराइल में जॉर्डन शहर के पास, ठीक है। तो सबसे अधिक लवणता लेक वान झील, फिर इसके बाद मृत सागर का नंबर है, ठीक। नील नदी का उद्गम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से। ये सबसे लंबी नदी है विश्व की, नील, ठीक है, जैसा कि ला लगा हुआ है तो ला से लंबी। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये है अमेजन नदी, जो कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत से निकलती है। राकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में, एंडीज पर्वत है दक्षिणी अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत से अमेजन नदी निकलती है। हुआंगहो नदी कहाँ बहती है? चाइना में है। और ये कुनलुन पर्वत से निकलती है, हुआंगहो कुनलुन पर्वत। नाइजर नदी कहाँ से निकलती है? ये गिनी, अफ्रीका का देश है, गिनी से निकलती है। मेकांग नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। ये वेरी इंपॉर्टेंट, मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से होकर के बहती है, ठीक है, मेकांग, ये तिब्बत का पठार। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मानसरोवर झील से निकलती हैं, ठीक है, मानसरोवर झील से ये दोनों नदियाँ निकलती हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद देखते हैं चैलेंजर और मारियाना गर्त, सबसे गहरा गर्त है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में। प्यूर्टो रिको गर्त, ये अटलांटिक महासागर में है। टा लगा हुआ है, ऐसे याद कर सकते हैं, प्यूर्टो रिको का लास्ट में है और का अटलांटिक में लास्ट में है। इसके बाद देखिए कि प्यूर्टो रिको तो अटलांटिक महासागर हो गया, सू नहर कहाँ पर है और इरी नहर कहाँ पर है? बड़ा ऊ और बड़ी ई, इरी। तो सू और इरी नहर ये दोनों अमेरिका में हैं, मैनचेस्टर नहर ब्रिटेन में है,
डेन्यूब जर्मनी में है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, ये देखिए। एंजल जलप्रपात और क्यू के नामा जलप्रपात, ये दोनों कहाँ पर हैं? वेनेजुएला में। सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये आपका एंजल जलप्रपात, जो वेनेजुएला में है, ठीक है। रिबन, ये जलप्रपात कहाँ है? अमेरिका में है। स्वेज नहर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वेज नहर कहाँ से बहती है? मिस्र में है। ये किन सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। इसको याद कर सकते हैं, लाभ, ला से लाल सागर और भू से भूमध्य सागर। लाभ होगा जब स्वेज नहर में पानी आ जाएगा तो ज़रूर लाभ होगा किसानों को। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और स्वेज नहर कहाँ है? मिस्र में, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो जीएस की, तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और लाइक करिए, और अपने मित्रों को, अपने दोस्त यार भाई बहन सबको शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इस चैनल का लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।